सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब देखो भैया, देखते देखते समय इतनी तेजी से बीत रहा है कि अप्रैल स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग को अप्रैल के अंदर कौन कौन से मस्त मस्त कंटेंट देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। एंड ये कंटेंट आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे। तो OTT एंड थिएटर का सारा कंटेंट इधर आप लोग को बताया हुआ है, जो कि एज ऑफ नाउ अनाउंस हो गया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग शुरुआत करें 4 अप्रैल से, बिकॉज जो मेन कंटेंट है वो इधर से स्टार्ट होता है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो भाई आप लोग को मल्टीपल कंटेंट जो नेटफ्लिक्स के ऊपर 4 अप्रैल को देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर द टियर्स मिट करके आप लोग को एक जो मूवी है वो देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। रिप्ले करके एक जो सीरीज है वो आप लोग को देखने को मिलेगी। एंड क्रूप करके भी एक जो सीरीज है वो आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर इसी सेम डे पर रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी। एंड ये सारा ही कंटेंट आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा जाएगा। बात करें 5 अप्रैल की, तो इस दिन भी आप लोग को मल्टीपल कंटेंट जो है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी रिलीज है वो पैरासाइट द ग्रे नाम की सीरीज की रहने वाली है, जो कि एक एपोकलिप्टिक ड्रामा रहने वाला है। एंड इसको हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज करा जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट कंटेंट की, तो उसका नाम है स्कूप, एंड ये एक मूवी है जिसको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर 5 अप्रैल को ही ड्रॉप करा जाएगा। अच्छा, काफी सारे लोग को लग रहा था कि 5 अप्रैल को ही जरा हटके जरा बचके जियो सिनेमा के ऊपर आएगी, बट बाद में पता चला कि वो एक प्रैंक था। तो एज ऑफ नाउ भी अभी इस मूवी की जो डेट है वो कन्फर्म नहीं करी गई है, जो कि अभी तक की सबसे लंबी लाइक मूवी हो चुकी है जिसका OTT रिलीज आप लोग को देखने को नहीं मिला है। बात करें 9 अप्रैल की, तो इस दिन आप लोग को भैया कुंग फू पांडा 4 का जो VOD प्रीमियर है वो देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग भी बाय फिर रेंट कर सकते हो। जितने भी लोगों ने इस मूवी को थिएटर में देखा था देन उनके लिए अच्छी बात है, एंड जिन लोगों ने मिस कर दिया है अब आप लोग VOD पर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। 9 अप्रैल से आप लोग को ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बात करें 10 अप्रैल की, तो इस दिन भी आप लोग को भाई मल्टीपल लाइक कंटेंट देखने को मिलेंगे, जिनमें से जो सबसे पहला कंटेंट है उसका नाम है एंथ्रासाइट। ये एक लिमिटेड सीरीज रहने वाली है। एंड इसी के साथ ही द हाईजैकिंग ऑफ प्लेन 601 करके भी एक सीरीज है, वो भी आप लोग को इसी दिन नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी। इसी दिन आप लोग को थिएटर के अंदर बड़े मियाँ छोटे मियाँ करके जो मूवी है अक्षय कुमार एंड लाइक टाइगर श्रॉफ की, वो देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी बड़े बजट की मूवी है। एंड इसके अंदर पृथ्वी सुकुमारन आप लोग को लाइक एज अ विलन देखने को मिलेंगे। एंड इसी दिन आप लोग को भाई थिएटर के अंदर एक बड़ा क्लास देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैदान, जो कि लाइक अजय देवगन सर की एक बड़े बजट की मूवी है, वो रिलीज हो रही है। एंड दूसरी तरफ आप लोग को बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी देखने को मिलेगी। तो इस बार आप लोग को जो 10 अप्रैल है वो थिएटर के अंदर भी इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। बात करें 11 अप्रैल की, तो इस दिन आप लोग को एज द क्रो फ्लाइज नाम का जो शो है उसका सीजन 3 नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड इसी दिन आप लोग को हर्ट ब्रेक हाई का जो सीजन 2 है वो भी रिलीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। बात करें 12 अप्रैल की, तो इस दिन आप लोग को स्टोलन नाम की जो फिल्म है वो देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। एंड इसी दिन आप लोग को भाई प्राइम वीडियो पे उनका इस महीने का सबसे महंगा शो, जिसका नाम है फॉलआउट, वो रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड बताया जा रहा है कि इसके सारे ही एपिसोड आप लोग को एक साथ देखने को मिल जाएंगे, जो कि यूजुअली आप लोग को प्राइम वीडियो की किसी भी सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एज ऑफ नाउ तो ट्रेलर से फॉलआउट सीरीज काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, जब ये प्राइम वीडियो पर आएगा तो इसका रिव्यू करने की भी कोशिश करेंगे। बात करें 17 अप्रैल की, तो इस दिन आप लोग को नेटफ्लिक्स के ऊपर एक तगड़ी डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है आवर लिविंग वर्ल्ड। अगर आप लोग को भाई नेचर से प्यार है एंड आप लोग को एक तगड़ा सिनेमैटिक लाइक एक्सपीरियंस चाहिए नेचर का, देन आप लोग इस लाइक डॉक्यूमेंट्री सीरीज को डेफिनेटली देखना। इससे पहले भी नेटफ्लिक्स ने काफी सारे नेचर के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज को डाला हुआ है, इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बात करें 19 अप्रैल की, तो इस दिन आप लोग को एनीवन बट यू नाम की जो मूवी है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में स्ट्रीम करती हुई देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर सिडनी स्वीनी आप लोग को देखने को मिलेंगी। एंड इसी के साथ ही आप लोग को रेबल मून का जो सेकंड पार्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड पार्ट अभी PG-13 रहने वाला है, एंड जैसे सेकंड पार्ट रिलीज हो जाएगा उसके कुछ महीने बाद आप लोग को जिसका R-rated वर्जन है पहले पार्ट का वो भी प्रेजेंट कर दिया जाएगा, एज ऑफ नाउ ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा, इसी दिन 19 अप्रैल को ही मंकी मैन करके जो मूवी थी वो भी थिएटर के अंदर रिलीज होने वाली है, बट बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर आप लोग को मूवी 19 अप्रैल को देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसका मेन रीजन ये है कि इस दिन आप लोग को भाई पहले से ही 2 मूवीज थिएटर के अंदर रन करती हुई देखने को मिल जाएंगी, जिनका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ एंड मैदान। तो भाई यहाँ पे इस मूवी को स्क्रीन मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो बताया जा रहा है कि इंडिया को लेकर इसकी रिलीज को डिले करा जाएगा। तो जो अपडेट आ रही थी कि ये मूवी इंडिया के अंदर आएगी ही नहीं थिएटर में, तो ऐसा नहीं रहने वाला है। हाँ, आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा वेट डेफिनेटली करना पड़ेगा। सो बात करें 25 अप्रैल की, तो इस दिन आप लोग को भाई डेड बॉय डिटेक्टिव नाम की जो सीरीज है वो देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। एंड इसी दिन आप लोग को भाई सिटी हंटर करके जो मूवी है वो भी नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। अच्छा, 25 अप्रैल काफी बिजी रहने वाला है, क्योंकि प्राइम वीडियो पे भी आप लोग को एक सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है देम द स्केयर।
अब देखो ये सारे तो कंटेंट आप लोग को अप्रैल के अंदर कंफर्म में देखने को मिलेंगे, बट इसके अलावा काफी सारा और भी कंटेंट है जो कि अभी तक रिवील नहीं करा गया है। तो जैसे उनकी डेट्स हमको पता चलेंगी मैं आप लोग को डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। पहले बताया गया था कि आप लोग को भाई अप्रैल के अंदर पंचायत देखने को मिल जाएगी, एंड इससे पहले तो अपडेट थी कि मिर्जापुर भी आ सकता है, बट सैडली वो शोज अभी अप्रैल के अंदर आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। उनके ऊपर जैसे हमको और कन्फर्मेशन मिलती रहेंगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा। अभी करंटली बताया जा रहा है कि पंचायत डिले हो चुका है मई के अंदर तक, तो देखते हैं आगे जो भी हमको पता चलेगा मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।